अमल हो गई। फैसला भी महफूज कर लिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि बज़ाहिर पीटीआई की हुकूमत भी सिर्फ सियासतदानों का एहतसाब चाहती थी और पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल हल करें। अदालती कार्रवाई के अख्ताम पर चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का बानी पीटीआई के दरमियान दिलचस्प मकालमा भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम कल अदम करार देने के खिलाफ समाअत। बानी पीटीआई बजरिया वीडियो लिंक अदालत के सामने पेश हुए। अपने दलाल ने कहा कि नैब तरामीम बहाल होने से मेरी आसानी तो हो जाएगी लेकिन मुल्क का दिवालिया हो जाएगा। 27 साल कबल भी यही हाल था जिसके 22 सियासत में आया। गरीब ममालिक के 7,000 अरब डॉलर बाहर पड़े हैं, इसको रोकना होगा। बानी पीटीआई ने चीफ जस्टिस से मुकालमा करते हुए कहा कि आपने लिखा मैंने गुज़िश्ता समाअत पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की, मुझे समझ नहीं आई कौन सी सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। कहा गया मैं गैर जिम्मेदार कैरेक्टर हूँ जिसके 22 बराह रास्त नशर नहीं किया जाएगा। इस पर चीफ जस्टिस ने जवाबन कहा जजेज अपने फैसले की वजाहत नहीं दिया करते, आप नजर सानी दायर कर सकते हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इस्तफसार किया कि आप क्या कहते हैं, पार्लियामेंट तरमीम कर सकती है या नहीं, जिस पर बानी पीटीआई ने जवाब दिया कि फॉर्म 47 वाले तरमीम नहीं कर सकते, जिस पर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि आप फिर उसी तरफ जा रहे हैं। बानी पीटीआई ने कहा मैं इस वक्त नैब को भुगत रहा हूँ, नैब को बेहतर होना चाहिए, करप्शन के खिलाफ एक मखसूस इदारे की जरूरत है। दौरान समाज जस्टिस जमाल मंदुखेल ने बानी पीटीआई को मुखातिब करते हुए कहा कि हालात इतने खतरनाक हैं तो साथी सियासतदानों के साथ बैठकर हल करें, जब आग लगी हो तो नहीं देखते पानी पाक है या नापाक, पहले आप आग तो बुझाएं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने बानी पीटीआई से मुकालमा करते हुए कहा कि आप दो मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं, एक तरफ आप एहतसाब की बात करते हैं दूसरी तरफ एमनेस्टी देते हैं, पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल हल करें, मुल्क को आगे बढ़ाने की जरूरत है।